ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की प्रथा है। इस तरह से यहाँ भैलो बनाया जाता है और फिर दिवाली मनाई जाती है। ये जल गया देखो भैलो। तो फ्रेंड्स मेरा गेम ज्योतिल चल रहा चल रहा चल रहा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज मैं स्वागत करता हूँ आपका करनियाल ब्लॉग्स में, और ये रहे आपके होस्ट। तो हम सभी करनियाल फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, और बी सेफ, ढंग से खेलिएगा, पटाखे जलाइए, बढ़िया से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, हाथ ना जलाएं, और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मतलब ज़्यादा भी पॉल्यूशन ना किया जाए। बाकी एंजॉय, और पूरी फैमिली के साथ खेलिए, बढ़िया से खेलिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब कि हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे पौड़ी में कैसे दिवाली मनाई जाती है, क्या क्या हम करते हैं। तो लीजिए अब मैं इसे आपके होस्ट को थमाता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की क्रैकर्स है ये, आज ये सब धम धड़ाक होंगे, और ये सब लाने का क्रेडिट जाता है हमारे इन महारथी को, क्योंकि इन्हें कुछ ज्यादा ही पटाखे जलाने की आदत है और इन्हें पटाखे कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो भाई साहब क्या क्या करोगे आज? आज ये सब फोड़ेंगे हम। अच्छा, ये सब फूटेंगे भाई साहब आज, देखिए। और अच्छा भाई साहब ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी रस्सी बोटी जा रही है, इसे बोलते हैं बबुल, और इससे ये रस्सी बनाई जा रही है। ये देखो और ये मम्मी बना रही है, देखो ये रस्सी, और ये इधर दादी भी बना रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की प्रथा है, इस तरह से यहाँ भैलो बनाया जाता है और फिर दिवाली मनाई जाती है। ये देखो दादाजी बना रहे हैं ये भैलो। दादाजी ये भैलो बनाया क्यों जाता है? भैलो इसलिए बनाया जाता है कि हमारा दीपोत्सव के लिए मनाया जाता है। आज के दिन पे श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने अयोध्या में लौटे थे, और वहाँ जो है हम हिंदुओं ने उसका स्वागत के लिए दिया और बाती और मोमबत्ती जला के दीपोत्सव मनाते हैं। अब हमारे पहाड़ों में उस समय वो चीजें उपलब्ध नहीं थी, गरीब लोग थे, जिसके कारण यहाँ ये जंगल से चीड़ की लकड़ी से छिल्ला निकाल के लाते थे, इसको छिल्ला बोलते हैं, ठीक है साहब। अब इसको जला के सारे लोग आपस में गाँव में मिलजुल के अच्छी तरह से उत्सव मनाते थे, ताकि सारे बच्चे बूढ़े सब जवान लेडीज सब इसको मनाते थे। तो ये हमारे लिए रामचंद्र जी की खुशी के लिए ही ये चीज उपलब्ध हमारे पूर्वजों ने बनाई है। अब ये रस्सी ऐसी बनाई जाती है उसके लिए, बबुल की, हरी हरी बबुल की, सूखी नहीं, हरी तो जलती नहीं है। अब इसको हमने कसना है, अब इसको ऐसे गांठ बांधनी पड़ती है यहाँ पे, तब जाके ये ऐसा हो जाता है टाइट, ठीक है, ठीक है भाई बंधु, ऐसे है। अरे हमारा पूर्व जगत माना हुआ त्योहार है, हमारे हिंदुस्तान का फर्स्ट त्योहार यही है। ये बन गया फर्स्ट त्योहार, सबसे सभी त्योहारों में से सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। और ज्यादा क्या बोलना है, सीखना चाहिए। आप लोग भी जहाँ जहाँ इसको देखेंगे, इसको चलाते रहना, इसको बना के, ताकि हमारे पूर्वज की यादगार हमेशा जीवित रहे, ठीक है जी। अब इसको हमने बांधना है, बांध दिया है, इसको गर्म करके आग से जलाना है, तब इसको खेलना है, सर के ऊपर से घुमाते हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे
भैले भी बनते हैं, इसको भैले बोलते हैं हमारे गढ़वाली में। और जो सातों बनते हैं छोटे छोटे, वो भैरवनाथ के नाम से बनाए जाते हैं। अब इनसे सबसे पहले जो जब इसको जलाते हैं, इससे पहले भैरवनाथ की भैलियाँ जलती है, ऐसे छोटी छोटी बनानी पड़ती है, ऐसे बांध के सात बनानी पड़ती है। इसमें जौ तिल वगैरह वगैरह करके खील बताशे चढ़ा के इसको मनाया जाता है। एक हवन का रूप माना जाता है इसका, जो भैला होता है वहाँ हवन के रूप में मनाते थे, यहाँ भैले के रूप में मनाते हैं इसको, ठीक है। इसमें जौ तिल डाला जाता है, जो कि हमारे पूजा में काम आती है। जौ तिल, जौ तिल तो आप लोगों सबको पता ही होगा, जौ तिल उगाए जाते हैं खेतों में, तिलहन जिसको बोलते हैं, जौ बोलते हैं, गेहूँ के दूसरा वो है प्रजाति। बन गया साहब भैलो, अब इसको हमने आग से जलाना है। अब इसको ऐसे तेज करनी है इसकी आँच, ये जब घूमने लग जाएगा बिल्कुल आग की लपटे वहाँ से वहाँ तक घूमती है, फिर ऐसे घुमाया जाता है ऐसे करके। अब ये इसकी वो है मेन, यह ठीक है। अगर अभी खाली है ना, जब आग होगी हर कोई डरता है। ओके देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर के बनने वाला जो भैलो है, ये देखो भाई बना रहे हैं और साथ में पापा। ये जो है मिस्टर नीरज करनियाल, ये इस जनरेशन के भैलो मेकर हमारे, और वो थोड़े पुराने जनरेशन के हो गए थे। तो ये देखिए कितना जोर लगता है इसमें, आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब जोर का काम है ये। तो ये कहाँ से सीखा भाई साहब आपने, कुछ बताएंगे आप? अरे भाई साहब कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, ये बड़े शर्मीले टाइप के हैं। इतना भी क्या सीक्रेट रखना है आप? भाई साहब सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो, क्या बात हो गई? हेलो, लगता आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहे भाई। ये तैयार हो चुका है अपना भैलो, उत्तराखंड में बगवाल हो और भैलो ना बने, मजा नहीं है दिवाली का। तो फ्रेंड्स हर टाइम भैया ही बनाते हैं, नीरज भैया ही बनाते हैं भैलो। तो फ्रेंड्स अब आपको दिखाते हैं गांव का नज़ारा ऊपर छत से, कि गांव कितना सुंदर लग रहा है आज। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है आज गांव, गांव में एकदम चमक आ रखी है आज। ये देखो फ्रेंड्स अब पड़ोसी, अरे ना, ना, ये जो गांव वाले हैं खील बता से बांटने आ गए। ये देखो सलवम ले गया था यूट्यूबर, ये लो एक बत्ती खींच चल यार, सुर पकड़ा डर रहे हैं। अरे ये कम चले फिर तो आए।
तो फ्रेंड्स ये जल गया देखो, वेलो फ्रेंड्स जला लिया वेलो। दुर्गा दो हो गया फ्रेंड्स, वेलो स्टार्ट। ये पपट जाओ हट जाओ बढ़िया डाला हो गए चलो घुमा सावा चिंकू सावा चिंकू शाबाश मेम दरे मेहरबान रे इन
घुमा 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 लड़े वगैरह घुमा 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 ले यार कभी देर लगा ली जब चार माँ 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 सौरभ माँ मदेरे शाबाश अरे जरे घुमा कर सभी घुमाने शाबाश ए दूसरे पकड़ रे चल रे बैलो जैल की घूम अरे सब कटे बोला हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली घुमा रे अरे हल्ला कर रे हेलो भाई साहब फ्रेंड्स आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में ओके बाय।